बीच का मैंने एक शायर पढ़ाया, अब मैं भारत आपको ले चलना चाहता हूँ। पूरी दुनिया में जिनका नाम शायरी के और कविताओं के नाम से जाना जाता है, भाई असत मेहताब, जो गोरखपुर भारत की धरती से हमारे बीच में है, वो चार पंक्तियां उनके सम्मान में पढ़ता हूं। अगर पंक्तियां अच्छी लगे तो जोरदार तालियों का महोत्सव ऐसे होनहार शायर के लिए आमंत्रित करना, उन्हें आमंत्रित करना। चार पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं कि तीर रखता कमान रखता है, जमाली साहब, कि तीर रखता कमान रखता है और शायरी की जुबान रखता है, और हम तो रहते हैं हिंदुस्तान में लेकिन वो अपने दिल में हिंदुस्तान रखता है। बार जोरदार तालियां, भाई असत मेहताब माइक। सबसे पहले हिंदुस्तान और नेपाल की इस दोस्ती को सलाम करता हूं, जहां पर इतनी अच्छी अदबी महफिल आपने सजाई है। एक आपसे गुजारिश करना चाहूंगा दोस्तों, इन छोटी छोटी मजलिसों से जो पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचता है, अदब के अदब से, हिंदी और उर्दू की जबान से, वाकई यकीन जानिए यहाँ मुजीब साहब हैं, ये सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया को सुनाएंगे और नेपाल का ये शहर अपने आप में गिना जाएगा। मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि जब भी आपको मौका मिले ऐसी अदब की महफिल ज़रूर सजाया करें, जहाँ सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की बातें होती हैं। बहुत शुक्रगुजार हूँ जफर अहमद जमाली साहब, जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, कौमी एकता समाज सदर आज के ताज़ी महमद साहब, मोहम्मद जहांगीर साहब, और बहुत मेहनतें की हैं हमारे छोटे भाई ने, अकमल बलरामपुरी ने, इस मुशायरे के लिए। आइए आगाज करता हूं दोस्तों शेरी सफर का इन चार मिसरों से। कबीर का नाम आपने सुना होगा, कबीर की सरजमीन से आपके बीच आया हूं, हाजिर करता हूं। गुलशन से अपने ताजा हवा लेके आया हूँ, क्या कहने भाई, क्या कहने, ये हुई बात। मुशायरा वहीं हिट हो गया जब विकास बौखल साहब के संचालक में आपने कह कहा जार माहौल बनाया और तालियां उठी, ऐसा हुआ कि जिंदाबाद के नारे तक लग गए। विकास बौखल साहब को बधाई देता हूं। गुलशन से अपने ताजा हवा लेके आया हूं, कबीरा की सरजमी से वफा लेके आया हूं, कबीरा की सरजमी से वफा लेके आया हूं। खतरे से डराओ ना मुझे मेरे हरीफों, खतरे से डराओ ना मुझे मेरे हरीफों, घर से मैं अपनी माँ की दुआ लेके आया हूँ। भाई ऐसा साहब क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। दुआ लेके आया हूँ, घर से मैं अपनी माँ की दुआ लेके आया हूँ। बहुत शुक्रिया, आपके खिदमत में एक मतला और एक शेर और हाजिर करता हूँ। नौजवान तशरीफ रखते हैं, मतला सुने। तेरा हर कूचा गली तेरा पता भूल गया, 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 तुझको भूला तो मैं जीने की अदा भूल गया, तुझको भूला तो मैं जीने की अदा भूल गया। और ये भी शेर, अपने वादों की सफाई तू मुझे क्या देगा, अपने वादों की सफाई तू मुझे क्या देगा, तू तो खुद अपने ही हाथों का लिखा भूल गया, तू तो खुद अपने ही हाथों का लिखा भूल गया। दोस्तों
आपके दिलों की भी तर्जुमानी करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन एक मतला जो बहुत पसंद किया जाता है, एक मतला आपकी खिदमत में मैं हाजिर करना चाहता हूं। मैं सजदा कहीं नहीं सकता, हर एक दरबार के आगे। अगर बात सच हो तो आप सबकी तालियां चाहूंगा। मैं सजदा कहे नहीं सकता, हर एक दरबार के आगे। मैं सजदा कहे नहीं सकता, हर एक दरबार के आगे। हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। क्या कह रहे हैं असद साहब भाई? वाह 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 वाह। सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। और एक सच्चा शेर डॉक्टर साहब यहां तशरीफ रखते हैं, हाजिर करता हूं। खुदा के हुक्म से, खुदा के हुक्म से जिस दम फरिश्ता मौत का आया। खुदा के हुक्म से जिस दम फरिश्ता मौत का आया। खुदा के हुक्म से जिस दम फरिश्ता मौत का आया। दवाएं सारी रखी रह गई बीमार के आगे। दवाएं सारी रखी रह गई बीमार के आगे। आइए नौजवान दोस्तों, आप सब तशरीफ रखते हैं, चार मिसरे आपकी खिदमत में हाजिर करता हूं। छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए। ये हिम्मत वालों का मुल्क है, यकीन जानिए भारत से आया हूं, सच बोल रहा हूं कि जहां हिम्मत और जज्बात का जिक्र होता है वहां नेपाल की आवाम का सबसे पहले जिक्र आता है। वाकई पूरी दुनिया में अगर हिम्मत के नाम पर अगर कोई जाना जाता है तो नेपाल की आवाम मानी जाती है। ये हमारे तमाम शोराए किराम यहाँ तशरीफ रखते हैं, हर कोई ये जानता है हिंदुस्तान में हिम्मत का जिक्र आता है तो नेपाल से होता है। नौजवान दोस्तों, हाजिर करता हूं आपकी खिदमत में। छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम लुपा की जा गजल हो जाए। छू के तुझको मेरा एहसास तरल हो जाए, जब तेरा नाम लूं पाकीज़ा गजल हो जाए। संगे मरमर सा बदन तेरा है जाने गजल, संगे मरमर सा बदन तेरा है ए जाने गजल। जिस पे ढल जाए तू वो ताज महल हो जाए, जिस पे ढल जाए तू वो ताज महल हो जाए। आइए एक मतला और एक शेर आपके खिदमत में, धीरे धीरे आपकी समातों तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। पुरखों के अपने जुबो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के। आप भी अहले इल्म, आप यहां तो शेर पढ़ते, हाजिर करता हूं। पुरखों के अपने जो बो दस्तार बेच के, दस्तार बेच के। पुरखों के अपने जो बो दस्तार बेच के, पुरखों के अपने जो बो दस्तार बेच के। सुल्तान मत बनो कभी किरदार बेच के, किरदार। बहुत अच्छा असद भाई, वाह वाह। बनो कभी किरदार बेच के। हमारे तमाम दोस्त यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, हमारे बड़े भाई वसीम रामपुरी, अफजल अलाहाबादी, शकील मुबारकपुरी, छोटा भाई अकमल बलरामपुरी, हाजिर करता हूँ। इस दुश्मनी के वास्ते
अब और क्या करूं, शेर सच हो तो आप सबकी ताई चाहूंगा। इस दुश्मनी के वास्ते, एक रिवायत है सर, अनाउंसमेंट नहीं होता है इनामात का, माजरत चाहता हूं, इसको गुप्त दान में रखो। इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, इस दुश्मनी के वास्ते अब और क्या करूं, मैं फूल लेके आया हूं तलवार बेच कर, तलवार बेच कर। तालिया भाई जोरदार होनी चाहिए, क्या कहने है, वाह वाह असद भाई, क्या कहने, वाह बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूं कि एक मतला और एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर कर दूं। बहुत अच्छा। तमाम रात यही कारोबार करता हूं, वाह 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 बहुत अच्छे। तमाम रात यही कारोबार करता हूँ, तमाम रात यही कारोबार करता हूँ, मैं एक दिया हूँ अंधेरों पे वार करता हूँ, मैं एक दिया हूँ अंधेरों पे वार करता हूँ। और दोस्तों हिंदू मुस्लिम एक होकर के यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, आप भी अदबी समातें आपकी हैं, सनातन साहब भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, उनके हवाले ये शेर करता हूँ। मेरा तो रिश्ता नहीं तुझसे मजहबी, लेकिन मेरा तो रिश्ता नहीं तुझसे मजहबी, लेकिन ए मेरे भाई तुझे दिल से प्यार करता हूँ, ए मेरे भाई तुझे दिल से प्यार करता हूँ।